हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। शराब पीकर गाड़ी चलाना भी अब आम बात हो चुकी है। दरअसल गुरुग्राम में पब और बार की भरमार है। वीकेंड के दौरान पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग यहां नाइट आउट और नाइट लाइफ एंजॉय करने आते हैं। इन क्लब से निकलकर लोग अपनी गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 साल में भारत में ड्रिंक एंड ड्राइव से 38,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई। साइबर सिटी गुरुग्राम में ड्रिंक एंड ड्राइव के कितने मामले सामने आए हैं, इसको लेकर के लगातार जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती रही हैं। इस साल हमारा जो है 1/1/2020 से 14/12/2020 तक का जो डेटा है वो 442 है, 442। सर अधिकतर कौन से जगहों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के ज्यादा मामले सामने आते हैं? वैसे तो पूरे गुड़गांव में ही है, लेकिन ये डीएलएफ का एरिया हो गया, पुराना गुड़गांव हो गया। ये सर इस साल देखने को मिला काफी गिरावट आई है इन मामलों में, क्या कोरोना की वजह से? हाँ, ये कोविड की वजह से हम इसको इस ड्राइव को अभी नहीं चला रहे हैं।